फ्रेंड्स, हमारे पास ये कुछ आम हैं। आप देख सकते हैं ये आम वो आम है, जब जो आंधी आती है ना, तो आंधी में जो आम गिर जाते हैं, मेरे यहाँ एक्चुअली 2-3 पेड़ हैं, तो ये आंधी में ढेर सारे आम गिर गए थे। तो इन्हीं आम को लेकर के हम अचार बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने छील करके रख लिया है, इनको पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, उनको सुखा करके फिर हमने छील लिया है। अब छीलने के बाद हमें क्या करना है कि जो इस तरीके के आम हैं जो थोड़े खराब हो चुके हैं, तो हम इनके जो खराब वाले पोर्शन है उनको हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, ये आम आप बहुत ज्यादा नहीं बनाइएगा, अगर बहुत आम गिर गए हैं तो ढेर सारा नहीं बनाना है, क्योंकि ये अचार बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला है। ये 2-3 महीने तक चल जाएगा तो काफी है, लेकिन हम जिस तरीके से बनाएंगे उसको 2-3 महीने तक आराम से हम यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि आम को ऐसे लेना है और इसके हमको कट लगाने हैं। हमको बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, ये छोटे छोटे पीसेस में ही अच्छे लगते हैं खाने में, और ऐसे हमको काट लेना है। ये आम अंदर से पीला भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको बहुत दिन तक रखना ही नहीं है, तो हम इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमने एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सी चीज़ें मिलानी होगी, तो बड़े बर्तन में ही मिक्स हो पाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो अचार हम बना रहे हैं ये इतना टेस्टी बनने वाला है ना, कि आप मतलब जरूर बनाएंगे, आप इंतज़ार करेंगे कि ऐसे आम हमको मिले। आप अच्छे आम का भी ऑब्वियसली बना सकते हैं, लेकिन ये बस हमारे यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि ये बहुत कम दिन चलता है, तो लोगों को बड़ा क्रेज़ रहता है कि जल्दी से इसको ख़त्म करना है। साथ में ये मठरी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें आप देखेंगे अभी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं मिक्स किया होगा, और आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे आम को काट लिया, आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे टुकड़े में काटा है, क्योंकि ये ना हमारे घर ऐसे भी लेकर के लोग खाते रहते हैं, तो इसको बहुत बड़े टुकड़े में हमने नहीं काटा। आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, बस गुठली नहीं यूज़ करनी इसकी, क्योंकि गुठली हमेशा गिरे हुए आम की अगर आप यूज़ करेंगे तो आम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमने नमक ले रखा है, नमक आप अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि ये नमक प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो नमक हमने ले लिया, और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अगर नमक आप कम डालेंगे ना तो अचार में टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने हल्दी ले ली है, हल्दी लगभग हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब हल्दी ली है। अब यहाँ पर हमने एक, अब ये देख सकते हैं ये हमारा काबली चना है जिसके हम छोले बनाते हैं। ये मैंने बिल्कुल ड्राई लिया है, मैंने इसको सोक नहीं किया है, और बिल्कुल वैसे ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड, आप जरूर मिक्स करिएगा, इसको देखिएगा, इसका एक अलग ही अंदाज बनेगा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून मेथी ले रखा है, मेथी साबुत है, कच्ची है, ना भुनी है ना कुछ भी, बिल्कुल सादी जैसे मेथी होती है हमने वैसे ले रखी है। और यहाँ पर हमने कुछ लहसुन ले रखा है, लहसुन को हमने काटा नहीं है, बस छील लिया है। और अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल हाथ को हम साफ रखेंगे और सूखा रखेंगे, गीला हाथ नहीं रहना चाहिए, हाथ की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो काबली चना हमने डाला है ना, इसका इतना बढ़िया टेस्ट आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये बिना भिगोए हुए सोक भी नहीं किया है और ऐसे ही मिक्स कर दिया है, तो इसका क्या होने वाला है। आप बहुत मज़ेदार ये अचार बनने वाला है, आप देखते रहिएगा। अब यहाँ पर मुझे ये थोड़े से साबुत लाल मिर्च में डाल रही हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब ये आम अभी हमने इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है, और इसको मैं अभी 4-5 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि इसमें जो इसका अपना मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो जो ये मॉइस्चर है ना, उसी के पानी से ये मेथी और चना और ये जो हमारी लाल मिर्च है, ये सब बहुत अच्छे से फूल जाएगी, और इसमें जो एक खटास आएगी वो जब आप खाएंगे तो सच में बहुत मज़ेदार लगेगा। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, ये मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है ये अचार। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको क्या करेंगे कि आप इसको किसी परात में ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन इसको किसी भी स्टील, एल्युमिनियम या पीतल के बर्तन में नहीं रखेंगे, केवल कांच के बर्तन में, या अगर कांच नहीं है तो प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, बट कांच के बर्तन में ये सबसे सही रहता है, नहीं तो ये हमारे बर्तन को ख़राब कर देता है, क्योंकि जो आम का खटास है ना वो बर्तन को ख़राब कर देता है।
तो इसको हम अभी ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम इसको एक कांच के बर्तन में, ये हमारा चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने केवल हल्दी और नमक मिलाया है और बाकी हमने चना, मेथी, लहसुन और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च मिलाया है। अभी हमने और कोई मसाला इसमें मिक्स नहीं किया है। ये मसाला अब हम 6-7 घंटे बाद इसमें मिक्स करेंगे। अभी हम इंतज़ार करेंगे कि जो ये आम है इसका पानी रिलीज हो जाए और जो हमने चना, मेथी और मिर्च डाला है वो अच्छे से फूल जाए। तो अब इसको हम 6-7 घंटे के लिए अच्छे से ढक करके और रख देंगे ताकि इसका पानी इसमें रिलीज हो जाए। फिर इसमें क्या क्या मिलाते हैं उसके बाद बताएंगे। फ्रेंड्स, अचार में डालने के लिए हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये मस्टर्ड ऑयल ही लीजिएगा, अचार में मस्टर्ड ऑयल ही पड़ता है और उसी से अचार का टेस्ट आता है। यहाँ पर लगभग हमने 125 ग्राम जो है मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप मस्टर्ड ऑयल की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं अपने अचार के क्वांटिटी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया है, तो पहले हम तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेते हैं और जब धुआं उठने लगेगा तो फिर गैस को हम ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम सारी चीजें अचार में मिक्स करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं अच्छे से इसमें धुआं उठने लगा है, तो बस इसी पॉइंट पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और तेल को कंप्लीट ठंडा होने देंगे। बिल्कुल हमें ठंडा हो जाने देना है इसको, और बिल्कुल भी गुनगुना रहेगा तो भी हमें नहीं डालना है। तो पूरी तरह से हम इसको ठंडा हो जाने देंगे तभी अचार में डालेंगे और उसी समय हम सारी चीजें अचार में मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 4-5 घंटे तक हमने इसको ढक करके ऐसे ही रख दिया था। बीच में हमने इसको एक दो बार ऊपर नीचे कर दिया था, चला दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो पानी नीचे जा रहा था वो सारे चने ने अच्छे से सोख कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो नीचे पानी होता है वो काफ़ी हद तक चने ने सोख कर लिया है। और अब आप अगर देखेंगे ना तो ये जो चना है, आप देखिए, ये एकदम से काफ़ी हद तक ये सोख कर लिया है और ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा फूल जाएगा और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, एकदम थोड़ा सा खट्टा तीखा, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप इसको एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सारे को हम फिर से परात में पलट लेते हैं क्योंकि अभी हमें सब चीज़ें मिक्स करनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेथी है, मेथी भी अच्छे से सोख हो चुका है, फूल चुका है इसके पानी से। तो मेथी भी एक तो फ़ायदा भी करेगा, ऊपर से ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। तो ये हम सारा कुछ इसमें निकाल लेंगे परात में। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करने वाले हैं। इसमें मसाले हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, लेकिन जो भी यूज़ करेंगे बस इसलिए कि बहुत नुकसान ना करे, कोई भी चीज़ इसमें नुकसान करने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये डेली यूज़ के लिए है, हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक चम्मच हींग ले रखा है, ये छोटा चम्मच हींग है, एक टेबल स्पून अजवाइन, कलौंजी, लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पर एक टेबल स्पून हमने आम, ये अचार का मसाला है और ये मैं डाल दे रही हूँ। बस इतना ही मुझे डालना है, मैं ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च आप और यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल रहे हैं, कुटी हुई मिर्च हमारे पास रखी हुई है। और हम एक चम्मच वेनेगर डाल रहे हैं, तो वेनेगर आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये वेनेगर ही हमारे अचार को बचा करके रखेगा। तो यहाँ पर वेनेगर जरूर डाल लीजिएगा, कोई भी वेनेगर हो सकता है, जामुन का, गन्ने का या सिंथेटिक कोई भी। यहाँ पर एक जो सबसे जरूरी चीज हम डाल रहे हैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, और वो है गुड़। हमने एक टेबल स्पून जो है गुड़ को कूट करके एकदम बारीक पाउडर बना करके ले लिया है और मैं ये डाल रही हूँ। इसकी वजह से अचार बहुत ही मजेदार बनने वाला है। और यहाँ पर अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ जो हमने तेल को गर्म करके रखा था और अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसको मैं मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर एक चम्मच नमक मैं फिर से ऐड कर रही हूँ, नमक आप चेक कर लीजिएगा। और अब इन सब चीजों को मुझे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप इसको बनाइएगा जरूर। आप अगर इसको साल भर रखना चाहते हैं या लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो जो फ्रेश आम आते हैं उसका बनाइएगा। ये आंधी में गिरे हुए आम के हैं तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे क्योंकि ये चोटिल होते हैं और जल्दी खराब होते हैं। इसको 2-3 दिन तक धूप में रखिए। बिल्कुल ये अभी से ही खाने लायक हो गया है, लेकिन 1-2 दिन धूप दिखा देंगे जिसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। लीजिए, बिल्कुल तैयार है मजेदार चटपटा सा अचार।